हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो पेपर है ना, ये दिल्ली के द्वारा जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है ना, उसमें जो चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम CMST CCS, इसमें CET का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं ना, उनको हाई फाई जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, JEE और नीट से रिलेटेड। तो ये पेपर हुआ था, ठीक है। और इस पेपर को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो आपस में क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, और जो नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो इस पेपर को देखकर बेनिफिट उठा पाएंगे। और तीसरी बात, जब इसकी आंसर की DOE की तरफ से इशू की जाएगी ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसमें सेक्शन ABCD होते हैं, तो जो बच्चे JEE वाले होते हैं उनको तो सेक्शन सी करना होता है, और जो नीट वाले होते हैं उनको सेक्शन डी। ए और बी सेक्शन सभी को करने होते हैं, ठीक है। तो बाकी आप जैसे पेपर देने जा रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे, तो इंस्ट्रक्शन वगैरह भी यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है, वो जो है अभी मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ, तो आंसर की जब आएगी ना, तो आंसर की आपसे मैं शेयर कर दूंगा जो DOE की तरफ से ऑफिशियल आएगी, ठीक है। बाकी आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से जो डिस्कस कर सकते हैं। ये जो सेट है ना, तो जैसे अलग अलग सेट होते हैं ना, तो उनमें क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं। तो अगर कोई और सेक्शन या सेट वाला बच्चा अगर देख रहा है ना, तो अगर डिस्कस करेगा तो सेट बता के करे, क्योंकि फिर ऐसे दूसरे बच्चे को कंफ्यूजन हो सकती है। इसमें 9th के भी थे, 10th के भी क्वेश्चन हैं, और छोटे क्लासेस के भी हैं।